Hey everyone, welcome back to my channel. I am Krrish. Guys, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप बनाना को एज अ फेस मास्क कैसे लगा सकते हैं और क्या क्या प्रोसेस में आप उसको फेस मास्क की तरह लगा सकते हैं. बनाना जो होता है वो हमारी स्किन के लिए गाइज बहुत ज्यादा अच्छा होता है. अगर आपकी स्किन ड्राई है, सुपर ड्राई है, तो आपको जो है बनाना बहुत ही स्मूथ स्किन देगा. अगर आप बनाना यूज करते हैं तो बनाना हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से क्लियर करता है, उसको स्मूथ करता है और ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है. गाइस, बनाना एक ऐसा फ्रूट है जो हमारी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है. अगर आपको रिंकल है एंड अगर आपकी स्किन में बहुत ज्यादा झुर्रियां है, फाइन लाइंस है, तो ये बनाना आपकी स्किन की ये प्रॉब्लम को दूर करेगा. अगर पैचेस है, डार्क स्पॉट है, तो उसकी प्रॉब्लम को भी दूर करेगा. एंड अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा डल है एंड बहुत ही ज्यादा जो है ब्लैकनेस लगती है स्किन में, बिल्कुल भी चमक नहीं है, तो वो स्किन भी प्रॉब्लम को दूर करेगा. एक ऐसा फ्रूट है जो सारी स्किन प्रॉब्लम्स को एक तरह से जो है लेता है एंड उसको एक साथ दूर करता है. और आज का जो फेस मास्क है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, आप इसे जरूर से ट्राई कीजिए. तो चलिए, वो फेस मास्क कैसे बनाना है विथ बनाना, तो उसे सीखते हैं. उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए. और अगर आप मेरे वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हैं तो जल्दी से बेल आइकन को हिट भी कर दीजिए. तो चलिए, वो फेस मास्क कैसे बनाना है वो सीखते हैं. सो गाइस, इस फेस मास्क के लिए हमें लेना है बनाना. बनाना को पहले आप जो है पील ऑफ कर लीजिए. इसको आप जो एक फाइन पेस्ट बना लीजिए. सो गाइस, हम ये फेस मास्क बनाना स्टार्ट करते हैं. इसके लिए मैं लूंगी 2 टेबल स्पून बनाना पल्प जो अभी हमने तैयार किया था. इसके बाद नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूंगी कर्ड. कर्ड आपको 1 टेबल स्पून लेना है. नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूंगी मिल्क पाउडर. मिल्क पाउडर आपको 2 टेबल स्पून लेना है. इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी लाइम जूस. लेमन जूस आपको जो है 1 टेबल स्पून लेना है. अब इन सबको आप अच्छे से मिला लीजिए, एक फाइन पेस्ट बन जाएगा आपके पास. अच्छे से मिक्स कीजिए, कुछ ऐसा पेस्ट बन जाएगा. ये तैयार है लगाने के लिए. सो गाइस, चलिए फेस मास्क लगाना स्टार्ट करते हैं. मैंने इसमें ऐड किया है बनाना. बनाना में मॉइस्चर कंटेंट्स होता है. इसमें पोटेशियम, विटामिन ई एंड विटामिन सी पाया जाता है जो हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने में हेल्प करता है. बनाना हमारी स्किन में एंटी एजिंग की प्रॉब्लम को दूर करता है. ये हमारी स्किन को टाइट रखता है, वाइट रखता है. नेक्स्ट मैंने इसमें ऐड किया है कर्ड. कर्ड हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है. ये हमारी स्किन को स्मूद एंड सॉफ्ट रखता है. नेक्स्ट मैंने इसमें ऐड किया मिल्क पाउडर. मिल्क पाउडर में लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो हमारे स्किन को नेचुरली लाइटन करता है. ये हमारी स्किन को वाइट रखता है. ये हमारी स्किन में डेड सेल की प्रॉब्लम को दूर रखता है. अगर आपकी स्किन में डेड सेल की प्रॉब्लम है, आपकी स्किन डल है, तो ये आपकी स्किन को ग्लोइंग एंड सॉफ्ट बनाएगा. नेक्स्ट मैंने इसमें ऐड किया लेमन जूस. लेमन जूस हमारी स्किन से ऑयलीनेस के प्रॉब्लम को दूर करता है. ये हमारी स्किन में अगर सन टैन की प्रॉब्लम हो तो उसको भी दूर करता है. सो गाइस, ये फेस मास्क मैंने लगा लिया है अपने फेस पे अच्छे से. ये आपको नेक तक लगाना है. इसको आपको 20 मिनट तक अपने फेस पे ऐसे ही लगा रखने देना है. आप इस फेस मास्क को वीक में 2 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं. ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके स्किन के लिए. सो गाइस, ये फेस मास्क मेरा ड्राई हो चुका है, 20 मिनट हो चुके. अब मैं इसको वॉश करके आती हूँ. सो गाइस, मैंने अपना फेस क्लीन कर लिया है एंड मेरा फेस आप देख सकते हैं कितना ग्लोइंग लग रहा है एंड बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लग रहा है मुझे. एंड ये बहुत ही ज़्यादा मुझे मॉइस्चराइज लग रहा है. मेरे फेस जो है बिल्कुल भी मुझे ड्राई फील नहीं हो रहा है. ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई मॉइस्चराइजर अप्लाई किया है. ये फेस मास्क आप अप्लाई करेंगे तो आपको अपने फेस पे कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज बनाना हमारी जो स्किन होती है उसको मॉइस्चराइज करता है. एज अ मॉइस्चराइजर भी वो आप यूज़ कर सकते हो. एंड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ लग रही है मेरी स्किन. आई होप गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो. अच्छा लगा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और लाइक कर दीजिए। और अगर आप मेरे नए नए वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हैं तो जल्दी से बेल आइकन को हिट भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।